अब आप ये बताइए, आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो पहले दिन तो 2 किलो के ऊपर लगी, फिर 1.5 किलो के ऊपर लगी, फिर 1 किलो के ऊपर लगी, फिर आधा किलो के ऊपर लगी, फिर लगी नहीं। इसका मतलब मुझे मुझे पहले दिन तो 2 किलो के ऊपर कॉस्ट निकालनी चाहिए होल्डिंग, फिर 1.5 के ऊपर, फिर 1 के ऊपर, फिर आधे के ऊपर। अब ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी दोस्तों, बहुत मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 2 किलो प्लस 0, 2 प्लस 0 अपॉन 2, ऑन एन एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें चक्कर खत्म हो जाएगा हर रोज की कॉस्ट निकालने के लिए। तो मैंने यहां पर 2 प्लस 0 अपॉन 2, मैंने कहा मैं 1 किलो के ऊपर कॉस्ट निकाल लेता हूं, मेरा काम खत्म आएगा। मैथमेटिकली यही आंसर आता है। तो ये मैथमेटिकली है कि बजाय हम अलग अलग करें, हम उसको एवरेज में निकाल लेते हैं। इसीलिए तो हम होल्डिंग कॉस्ट को एवरेज के बेसिस पे करते हैं। अब एवरेज कैसे निकाली जाती है, क्वांटिटी परचेज प्लस 0 अपॉन 2। तो मैं आइए वही केस स्टडी करूंगा, एक बार दोबारा देख लें उस केस स्टडी में मैंने क्या क्या लिखा था, उस केस स्टडी में मैंने क्या क्या लिखा था एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैंने लिखा था, आप देख लें, एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 यूनिट्स। दूसरी चीज, परचेज प्राइस पर यूनिट 50 रुपीज पर यूनिट। तीसरी चीज, तीसरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये तो ऑर्डर ही होता है दोस्तों, पर ऑर्डर ही होता है। और थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट में आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूं 10% पर एनम। ये मैंने आपके सामने लिखा है और मैं एक टेबल बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने रजिस्टर में अगर टेबल बना लेंगे और मेरे साथ साथ काम करेंगे तो इस बात का दावा है कि आपको ज्यादा समझ आएगा। आगे दोस्तों आप बड़े हैं, आप समझ सकते हैं अपना भला और बुरा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस्ड इन वन ऑर्डर, एक बारी में कितने यूनिट्स खरीदे। मैं मान रहा हूं कि आपने 3,000 खरीदे, 4,000 खरीदे, 6,000 खरीदे और फिर 12,000 इकट्ठे खरीद लिए। और मैं यहां पे मान रहा हूं कि यहां पर एनुअल परचेज कॉस्ट का खाना बनाया है, आपने यहां पर एनुअल परचेज कॉस्ट लिखनी है, यहां पर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखनी है, यहां पर एनुअल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट लिखनी है और यहां पर आप लिख रहे हैं टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। आइए दोस्तों हम इस टेबल को पूरा भर दें। पहले आप अपने रजिस्टर में बना लें। मुझे उम्मीद है कि जब आप ये रजिस्टर में बनाएंगे और मेरे साथ साथ करेंगे, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें, मैं भी अपना कैलकुलेटर बाहर निकाल लेता हूं जिससे कि हम करने में आसानी हो। एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। आप बताइए 12,000 यूनिट्स मैंने खरीदे इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट 50 रुपीज, तो ये दोस्तों 6 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है, 6 लाख्स, 6 लाख्स, 6 लाख्स, 6 लाख्स। यार ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, आप देखिए जब आप एक बारी में 3,000 यूनिट्स खरीदेंगे तो आप कितने ऑर्डर करेंगे। मेरे हिसाब से तो मेरे में 4 आ रहा है। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ए अपॉन क्यू, मतलब आपने कितने यूनिट खरीदने हैं और एक बारी में कितने खरीद रहे हैं। जैसे पहले केस में मैं आपसे कहूं कि 12,000 अपॉन 3,000, 4 आ रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा 4 ऑर्डर्स करूंगा और एक ऑर्डर में 100 रुपए लग रहे हैं। और दूसरे केस में इसी तरह से 3 ऑर्डर करूंगा और फिर नेक्स्ट केस में 2 ऑर्डर करूंगा और फिर लास्ट केस में 1 ऑर्डर करूंगा, तो मेरे यहां पर 400 रुपए आ रहे हैं। आप देखिए
फिर 300 आ रहे हैं आप देखिए, फिर 200 आ रहे हैं आप देखिए, और फिर 100 आ रहे हैं आप देखिए। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट मैं कहता हूं, उसके बाद है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट जैसे मैंने अभी अभी बताया कि आप होल्डिंग कॉस्ट को एवरेज क्वांटिटी परचेज पे निकालते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से हम यहां पे करने वाले हैं। तो यहां पे मैं करूंगा 3000 अपॉन 2 इंटू 10% इंटू मैंने पूंजी कितनी लगाई दोस्तों, पूंजी मैंने ₹50 पर यूनिट लगाई, तो मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है 3000 अपॉन 2 इंटू 50 इंटू 10% इज इक्वल टू 7500। दूसरे केस में भी निकाल लेते हैं, अब यहां पे घुचमुच हो जाएगी, मैं सीधा ही कैलकुलेट कर दूं, 4000 यूनिट्स मैंने खरीदे उसका एवरेज करूं, तो मैं एवरेज करूंगा कैसे, 4000 प्लस 0.2 कर रहा हूं, लेकिन चांस की बात है वहां जगह नहीं है इसलिए मैं जीरो लिख नहीं रहा, लेकिन कर एवरेज रहा हूं तभी तो 200 भाग कर रहा हूं, अगर मैं एवरेज ना करता तो मैं 200 भाग क्यों करता, सोचने की बात। तो जीरो का मतलब ही कुछ नहीं है इसलिए जीरो हम जनरली लिखते ही नहीं है, तो मैं यहां पर 4000 अपॉन 2000 इंटू 50 इंटू 10% ये आ गया जी 10000। अब मैं थर्ड में आ रहा हूं, 6000 यूनिट्स मैंने खरीदे भाग में 2 इंटू इंटू 50 इंटू 10% ये आ गया जी 15000। और मैं थर्ड में आ गया, 12000 मैंने खरीदे भाग में 2 इंटू 10%, एक सेकेंड दोस्तों मेरे से शायद कुछ गलती हुई, 6000 इंटू 50 इंटू 10% 30000। तो दोस्तों अब मैं लास्ट कॉलम में पहुंच गया, इसका नाम है टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट 600000 प्लस 400 प्लस 7500, इसको हम कह रहे हैं 607900। दूसरा है सर 600000 प्लस 300 प्लस 10000 ये आ गया जी 610300। 600000 प्लस 200 प्लस 15000 615200 और लास्ट में पहुंच गया जी मैं 600000 प्लस 100 प्लस 30000 ये आ गया जी 630100। दोस्तों मैंने तो एग्जांपल लिया था इसलिए चांस की बात है इस तरह से आ गया, लेकिन मिनिमम देखिए मिनिमम कॉस्ट कितनी है, मिनिमम कॉस्ट है 607200, मिनिमम कॉस्ट है 607900। इसके ऑपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी कितनी है 3000। इसका मतलब हमें 3000 यूनिट्स खरीदने चाहिए एक बारी में 3000 यूनिट्स खरीदने चाहिए। अब मैं इसको कुछ इस तरह से बोलना चाहूंगा कि आपने क्या करना है, आपने एक बार नेचर देखना है कि नेचर क्या है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट इज इक्वल टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट। ये मैंने टोटल आपके सामने टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट लिखा है।
अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखना चाहूं तो मैं दोस्तों इस तरह से लिखूंगा, आप देखिए इस तरह से लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आपने एक बात देखी होगी, जैसे एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट को अगर हम निकालें तो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में हम लिखते हैं एनुअल परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ये तीनों कॉस्ट को ऐड कर दें अगर हम तो दोस्तों इसका नाम है एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। जैसा अभी अभी आपने देखा मैंने लास्ट कॉलम में बताया। मैं अब आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूं सभी को कि आप सभी ये समझ लें कि एनुअल परचेज कॉस्ट तो 6 लाख रुपए की आ रही थी हर जगह, 6 लाख एनुअल परचेज कॉस्ट 6 लाख की कॉन्स्टेंट आ रही थी सभी केसेस में। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि एनुअल परचेज कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, एनुअल परचेज कॉस्ट इज फिक्स्ड इन नेचर, बिल्कुल कह सकते हो। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ये दोनों की दोनों कॉस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये वेरी हो रही है, वेरिएबल इन नेचर है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट? हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता। अब मैं आपसे एक बात और पूछूं कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इन्वेंटरी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो मुझे फिक्स कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए या वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए? मैं आपकी बात समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं, अगर मुझे टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ना कि फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि तभी हम मिनिमाइज हो सकते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमाइज करना ही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसका मतलब ऐसा समझ लें कि मुझे यहां पर दो ही कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसको मैं सिंबॉलिकली लिख सकता हूं ए अपॉन क्यू, जहां पर ए का मतलब क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू सीए, सीए का मतलब क्या है, कॉस्ट पर ऑर्डर प्लस एवरेज क्वांटिटी परचेज। दोस्तों एवरेज क्वांटिटी परचेस्ड मैंने जान के जीरो लिख दिया कि आपको लगे कि हाँ एवरेज का मतलब क्या होता है, इंटू सी एच का मतलब क्या है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मैं रिपीट करता हूं, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। पहली बात, हम इसको एक यूनिट के लिए निकालते हैं और एक एनम के लिए निकालते हैं, पर यूनिट पर एनम एक यूनिट की और एक एनम की। क्यों? क्योंकि इसमें होल्डिंग कॉस्ट में मुख्य तौर पे जो एलिमेंट होता है वो इंटरेस्ट कॉस्ट का होता है। वैसे तो उसमें गोडाउन कॉस्ट भी है, इंश्योरेंस भी है, मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, आपको थ्योरी में लेके चलूंगा, लेकिन अभी मैं बता दूं कि होल्डिंग कॉस्ट में 3-4 एलिमेंट्स है, लेकिन उन सब में मुख्य एलिमेंट इंटरेस्ट कॉस्ट का है दोस्तों, और इंटरेस्ट कॉस्ट हमेशा पर एनम होती है, इसीलिए होल्डिंग कॉस्ट को हम पर यूनिट पर एनम निकालते हैं और एवरेज पे निकालते हैं। तो दोस्तों इस तरह की मैंने आपके सामने फॉर्मूला प्रिपेयर किया,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब आपने मालूम है, आपको अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती हो तो अगर मुझे किसी भी चीज को मिनिमाइज करना हो तो मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, या ऐसा समझ लें मैं इसको इस तरह के साथ साथ एक चीज और बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन के साथ साथ आप अगर डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट भूल चुके हो तो मैं पहले आपको एक बात बताऊंगा कि हम इसको ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं। ग्राफिकली मतलब इस कॉस्ट को अगर मुझे मिनिमाइज करना हो तो आप देखिए, ग्राफिकली अगर मुझे इस चीज को समझाना हो तो मैं एक्स एक्सिस में क्वांटिटी लिखूंगा, क्वांटिटी परचेस्ड इन वन ऑर्डर। मैं लिखूंगा क्वांटिटी परचेस्ड इन वन ऑर्डर, और यहां पर लिखूंगा कॉस्ट पर ऑर्डर, या ऐसा समझ लें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऐसा लिख लेते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और यहां लिखूंगा टोटल होल्डिंग कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, दो कॉस्ट मैंने यहां पे लिखी। आप देखिए, जैसे जैसे आपने उस ग्राफ में, उस केस स्टडी में देखा कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी परचेज इन वन ऑर्डर बढ़ाते गए, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो गए। अब आप बताइए, ये जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की लाइन है, ये इस तरह से आएगी या ऐसे आएगी, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग होगी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, आप बताइए। जब आप क्वांटिटी कम खरीदेंगे एक ऑर्डर में तो बट नेचुरल ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, जब आप एक ऑर्डर में ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो बट नेचुरल आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक कर्व इस तरह से बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। जैसे जैसे आप क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे एक ऑर्डर में, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट डाउनफॉल में आएगी। और मैं आपसे कहूं कि अगर होल्डिंग कॉस्ट को देखें, आप उस टेबल में भी देख लें, तो जैसे जैसे आपका एक ऑर्डर में यूनिट ऑर्डर ज्यादा होंगे, आपको ज्यादा स्टोर रखने पड़ेंगे, और जब ज्यादा स्टोर में रखने पड़ेंगे तो आप समझ लें कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट बिल्कुल बराबर होंगी। बस दोस्तों, यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और यहीं पर लिख दें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसी का नाम है। इतनी क्वांटिटी खरीदी जाए जहां पर वेरिएबल कॉस्ट कम हो। अब मैं इसको इस तरह से समझू, वेयर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट। मैं इस तरह से समझ रहा हूं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को मैं इस तरह से ले रहा हूं, वेयर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, A/Q (cost per order) लिख सकता हूं, और इसको ऐसे लिखूं Q/2 (CH) बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मुझे एक बात तो समझ आ गई कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उस पॉइंट पे आएगी जहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम वहीं पे हो सकती है जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर होगी। अब मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूं, क्योंकि मुझे क्यू निकालना है, तो मैं क्यू को एक तरफ रख दूं और बाकी चीजें अगर इधर ले आऊं, तो आप देख लीजिए मैं किस तरह से कर रहा हूं। मैं इसको कुछ इस तरह से अगर करूं, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, तो मैं अगर यहां पर क्यू को एक तरफ रहने दूं, और यहां पर अगर हम करें A/Q (Q/2) = क्योंकि मुझे Q कैलकुलेट करना है, कहने का मतलब है मेरा Q वहां पर सबसे कम आएगा जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कम हो, बिल्कुल सेम होंगी। तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, अगर इस तरह से लंबे तरीके से ना चलें, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप लोगों का हाथ तंग होता है। तो मैं मानता हूं 2ACA ये आ गया 2ACA/CH। ये देखिए, ये आपके सामने एक कर्व बन गया, 2 यहां चला गया, CH नीचे आ गया, और फिर Q स्क्वायर हो गया is equal to 2ACA/CH। इसी को मैं अगर सॉल्व करूं
तो क्यू को मैं ऐसे ले लिया और इस तरफ स्क्वायर रूट कर लिया, टू ए सी ए अपॉन सी एच। अरे अरे ये क्या, ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी एक जमाने में किया था, एक जमाने में पहले भी किया था, और उस जमाने में हम फॉर्मूले को रटते थे दोस्तों। विलियम विलियम जे बाउमल, विलियम जॉन बाउमल ने ये फॉर्मूला निकाला था दोस्तों, और इसी फॉर्मूले से हम चल रहे हैं। इसी का नाम है ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, टू ए सी ए अपॉन सी एच अंडर द रूट। ये फॉर्मूला हमने रटा है, अब रटना नहीं है, आपके सामने लॉजिक आ गया है। इसका मतलब जो विलियम जे बाउमल का मॉडल था उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम इस ईओ क्यू को तीन तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम इसको ग्राफ बना के कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, वी कैन डू ग्राफ, वी कैन प्रिपेयर ग्राफ, उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड है जो मैंने केस स्टडी के रूप में कराया था, उसका नाम है टेबुलर मेथड, हम उसका टेबल बना सकते हैं, टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। और हम तीसरा और भी कर सकते हैं जो विलियम जे बाउमल ने कराया, क्या, एलजेब्रिक, एलजेब्रिक मेथड, हम उसको एलजेब्रा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेपर में कुछ भी ना दिया जाए तो हम आने वाली क्लास में, आने वाले लेक्चर में इसी मेथड को फॉलो करेंगे, और इस मेथड में ये बताया गया टू ए सी ए अपॉन सी एच ही एक फॉर्मूला है जो हमने लॉजिकली समझ लिया। हम इसी तरह से आने वाले लेक्चर में क्लास करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। वैसे अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप इसका दूसरा लेक्चर भी देख सकते हैं। मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि लेक्चर वन में मैंने अभी इतना ही बताया है, लेक्चर टू में हम प्रैक्टिकल करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।